हेलो यूट्यूब, तो आज हम बात करेंगे टेप हेड के बारे में। तो आप अपने सामने में जो देख रहे हैं ये टेप हेड है, इसे मैंने कचरे से निकाला है और ये यूज़ होता है, मतलब जो पुराने कैसेट टेप आते थे जिससे मतलब हम लोग टी सीरीज के कैसेट से गाना सुनते थे बहुत साल पहले, तो ये उसी में यूज होता था। अब इसका यूज बहुत कम होता है या फिर नहीं होता है। मेरे पास कोई कैसेट टेप तो नहीं है लेकिन एक एटीएम कार्ड है, तो एटीएम कार्ड के ऊपर में जो आप ये देख रहे हैं ब्लैक कलर का पट्टी, यही इलेक्ट्रोमैग्नेट है। तो होता था ये कि इसी तरीके का आपका जो है मतलब पहले कैसेट आता था ब्लैक कलर का, तो ये जो टेप हेड है उस कैसेट के ऊपर से गुजरता था, तो एक तरीके से एक निश्चित स्पीड में गुजरने के कारण जो कैसेट के ऊपर जो मतलब उसके ऊपर जो मतलब जो डेटा था उसको ये कैसेट टेप हेड जो है सो रीड करता था। और यहाँ पे एक ऊपर से जो है सो ये दिख रहे हैं दो पिन, यहाँ से हल्का सा सिग्नल जो है सो प्रोड्यूस करता था और ये सिग्नल को जो है सो एम्पलीफाई करके फिर जो है सो म्यूजिक सिस्टम एम्पलीफाई करके जो है सो मतलब फिर लाउड स्पीकर में बजाता था और इससे हम लोग गाना सुनते थे। बहुत साल पहले ऐसा यूज होता था, अब ऐसा नहीं होता है। मतलब अब तो MP3 का ज़माना है, अब तो सब स्मार्टफोन यूज करते हैं, तो अब नहीं यूज होता इसका। लेकिन फिर भी अभी भी ATM में जो है सो इसका यूज होता है, लेकिन सेम तरीके कैसेट टेप हेड नहीं होता, उसमें किसी और मतलब किसी और तरीके का अलग होता है। लेकिन हाँ, अभी भी ATM में या फिर जो आपके होटल में होता है इसका यूज अभी भी होता है। तो यहाँ पे अभी मेरा ATM का CV भी लिखा है, लेकिन चिंता मत कीजिए, इसका ATM का नंबर नहीं बाहर नहीं लिखा हुआ है, तो ये उतना डेंजरस नहीं है। तो इसका पहले बहुत यूज होता था, अब नहीं होता है। तो मैंने सोचा यार कि मतलब ये कैसेट टेप हेड मिला है तो इसका एक लाइव डेमो आपको दिखा दूँ कैसे मतलब कैसे काम करता है ये। तो मैं अभी क्या करने वाला हूँ कि मैं अभी इसका जो है सो इसमें दो पिन लगा के मतलब इसका जो पिन है। हाँ, एक और बात, ये कैसेट टेप हेड सिर्फ रीड कर सकता है, राइट नहीं कर सकता है। लेकिन एक कैसेट टेप हेड आता है जिससे आप राइट भी कर सकते हैं, तो उसमें होता है कि चार पिन होता है, दो रीड करने के लिए और दो राइट करने के लिए, इसमें सिर्फ दो पिन है, तो ये सिर्फ रीड कर सकता है, राइट नहीं कर सकता है। तो अभी हम इसको इस कैसेट टेप हेड की मदद से ये जो ATM कार्ड है इसको रीड करेंगे और उसका जो सिग्नल जनरेट होगा इस छोटे दो पिन पे उसको एम्पलीफायर से एम्पलीफाई करके स्पीकर में जो है सो सुनने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पहले इसमें जो है सो इसके दो पिन में जो है सो सोल्डिंग कर देते हैं, मतलब जिससे हम एम्पलीफायर से कनेक्ट करेंगे। तो मैंने जो है सो टेप हेड से एक 5 mm का ऑक्स केबल जो है सो मतलब कनेक्ट कर दिया है। अब मैं इस ऑक्स केबल को जो है सो मतलब एम्पलीफायर से कनेक्ट करूंगा, उसके बाद इस MP3 का मतलब पावर ऑन और उसके बाद मोड में ऑक्स सेलेक्ट और उसके बाद इसका वॉल्यूम पूरा 50 पे 50 वॉल्यूम है और उसके बाद ये हमारा टेप हेड चालू हो गया। उसके बाद हम यहाँ एम्पलीफायर का वॉल्यूम देंगे और उसके बाद ये मेरा ATM कार्ड। अब हम इस पे टेप हेड को रख देंगे। तो आप सुन सकते हैं कि इस टेप हेड को ATM कार्ड पे रगड़ने से जो है सो साउंड आता है। तो यही बेसिकली इसका साउंड है, ये टेप हेड जो है सो इस इलेक्ट्रोमैग्नेट पे मतलब जो है सो रब करने से मतलब जो है सो इलेक्ट्रिक करंट हल्का सा जनरेट करता है, जिससे जिसको हमने एम्पलीफायर पे भेजा और एम्पलीफायर ने एम्पलीफाई करके जो है इसको स्पीकर के पास भेजा और स्पीकर से हमको मतलब सुनाई देता है जो भी साउंड है इसमें। तो ATM का तो नॉर्मली जो है सो कोड होता है ATM के लिए, लेकिन जो कैसेट टेप होता है उसमें जो कोड होता है कोड कहा गया, मतलब उसमें जिस तरीके का मतलब डिजाइन किया रहता है, जिस तरीके से वो मतलब एक सॉन्ग होता है या फिर आपका कंप्यूटर फाइल कंप्यूटर प्रोग्राम कुछ भी हो सकता है, तो अगर वो सॉन्ग होगा और मैं इसको रब करूँगा तो आपको मतलब सॉन्ग सुनाई देगा, उसी को एक निश्चित रफ्तार में जो है सो मतलब मूव कराया जाता है
कैसेट टेप के अंदर, तो इससे हम गाना सुन पाते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप ऐसा वीडियो और भी आगे देख सकें। धन्यवाद।